राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम यादों के साए में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं आज बहुत ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और सांसद चंदन मित्रा। चंदन मित्रा पेशे से पत्रकार। चंदन मित्रा भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं। कोलकाता में जन्मे चंदन मित्रा ने आगे की पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन से की और थोड़ा समय हंसराज कॉलेज में पढ़ाया भी। चंदन मित्रा आज पायनियर अखबार के संपादक हैं। स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे ऑब्जर्वर और हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भी काम कर चुके चंदन मित्रा अनुभवी पत्रकार हैं। फिल्मों में गहरी दिलचस्पी रखने के साथ साथ चंदन मित्रा फिल्मों के गंभीर विश्लेषक भी हैं। फिल्म संगीत का उनका संग्रह बहुत समृद्ध है। चंदन मित्रा का मानना है कि एक बांग्ला भाषी होने के बावजूद वो जिस आसानी से आज हिंदुस्तानी जबान में बातें करते हैं उसका श्रेय फिल्मों को ही जाता है। एक सुरुचि संपन्न कला प्रेमी चंदन मित्रा फिल्मों से जुड़ी यादों पर घंटों बातें करने को तैयार रहते हैं। चंदन जी स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत हमको बताइए कि फिल्मों के साथ प्यार की कहानी कहाँ से शुरू होती है यादों में अगर पीछे जाएं तो? अब कहाँ से शुरू होती है कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि हमारे घर में पिताजी या माताजी कभी भी फिल्म के बहुत बड़े भक्त नहीं थे, तो पिक्चरें हम कम ही देखा करते थे। पिताजी को सरदर्द हो जाता था पिक्चर देख के, तो इसीलिए बचपन के दिनों में पिक्चर देखने का रिवाज मेरे घर में नहीं था इतना। मैं पिक्चर देखना शुरू किया जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था, उससे पहले इक्का दुक्का, लेकिन क्लास 9 में पिक्चर देखना जो चालू किया उसके बाद बंद ही नहीं हुआ। समझ सकते हैं, समझ लीजिए ये 60 के दशक में 68-69 से लगातार पिक्चरें देख रहा हूँ। बचपन की बात आपने की जहाँ आपके पिता को सिर में दर्द हो जाया करता था फिल्में देखते हुए, बचपन आपका कहाँ गुजरा और पहली फिल्म आपने कब देखी होगी? बचपन मेरा गुजरा पहले तो कलकत्ता के पास एक छोटा शहर है हुगली नाम का, वहाँ हमारे दादाजी ने घर बनाया था तो वहीं हम रहते थे, वहीं स्कूल में पढ़ाई करता था। और हुगली में 2 पिक्चर हॉल हुआ करते थे, कभी कभार हम चले जाते थे, नॉन एयर कंडीशन हॉल, पंखे चलते थे, और बाद में भी वहाँ जाके कई बार पिक्चर देखा है मैंने। लेकिन वहाँ और फिर हम पिताजी काम के लिए जाते थे उड़ीसा, वहाँ पर एक क्लब हुआ करता था, वहाँ हर शनिवार को पिक्चर दिखाई जाती थी बाहर लॉन में स्क्रीन लगा के प्रोजेक्टर में। तो मुझे जहाँ तक याद है शायद उस क्लब में, नुआमुंडी क्लब में ही पहली पिक्चर मैंने देखी थी, पिक्चर का नाम भी मुझे याद नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि 68-69 अकेला पिक्चर देखना शुरू किया मैं या दोस्तों के साथ, तब मैंने पिक्चर देखी थी शिकार, धर्मेंद्र आशा पारेख, और पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके बाद से लगातार पिक्चर देखी। शिकार की ही अगर आप याद करें, क्योंकि ये शायद शुरुआती देखी हुई फिल्मों में से याद रह गई फिल्म है, वो क्या था जो उसको आपके स्मृति से धुंधला नहीं पड़ने देता? देखिए गाने बहुत अच्छे थे और गानों का बहुत शौक है मुझे, फिल्मी गानों का, फिल्मी गाने का स्टॉक भी मेरा बहुत अच्छा है, 60s 70s 80s का स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, और गाने बहुत अच्छे, पर्दे में रहने दो और ऐसे बहुत सारे बड़े पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए वो सब गाने, और धर्मेंद्र को मुझे बहुत अच्छा लगा।
धर्मेंद्र जी मेरे बड़े फेवरेट रहे। वो क्यों ऐसा हुआ होगा जबकि धर्मेंद्र के मुकाबले बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन फिर भी आपको धर्मेंद्र में वो कौन सी ऐसी बात थी जो बहुत अच्छी लगती थी? वो शायद उनका ही मैन वाला जो इमेज था कि वो मार धाड़ में बड़े एक्सपर्ट थे, उनको चेहरा देख के ही विलेन डर जाता था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। जबकि बाकी हीरो ज़्यादातर रोमांटिक किस्म के थे और एक्शन कम होता था उनके पिक्चरों में, धर्मेंद्र के पिक्चर में एक्शन बहुत बढ़िया होता था। तो शुरुआती दिनों में तब मैं बच्चा था, क्लास 7-8 में पढ़ने वाला, तो आप समझ ही सकते हैं उस समय वो बड़ा अच्छा लगता था। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और अपने अनुभवों से वो दुनिया को देखना शुरू करता है तो उसकी रुचियाँ भी बदलती हैं। मेरा ख्याल है कि वो ही मैन का ज़माना एक था और उसके बाद फिर रुचियों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया होगा, वो क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो उम्र के साथ साथ तो स्वाभाविक है कि थोड़ा मारधाड़ से हटके आप इमोशन और एक्टिंग की तारीफ ज़्यादा करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद आप अगर सोचेंगे थोड़ा फ्लैशबैक में, पहले धर्मेंद्र आया इमेज, उस इमेज को लेके, उसके बाद जब मैं कॉलेज में था अमिताभ बच्चन का उदय हुआ, वो भी एक्शन हीरो थे, एंग्री यंग मैन, जंजीर, दीवार, त्रिशूल, लगातार उनकी उस समय की पिक्चरें, बड़ी हिट पिक्चरें, वो भी सारी आपके एक्शन फिल्म ही थे। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अमिताभ जी क्योंकि बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर हैं, तो उन्होंने सब कुछ कंबाइन किया। अब एक तरफ जहाँ धर्मेंद्र जो कि हीमैन थे, वो भी धीरे धीरे अच्छी पिक्चर बनाने लगे जिसमें एक्टिंग वो सामने ला पाए अनुपमा जैसी पिक्चरों में, या दिल के सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों। आपने धर्मेंद्र और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अमिताभ बच्चन का नाम लिया, ये तो एक्टर्स की बात हो गई। इसमें हीरोइनों की बात अगर करें तो वो कौन सी हीरोइनें थीं जो तब भी बहुत फैसिनेट करती थीं और बाद तक भी करती रहीं? इसमें तो मैं पहला नाम वाहिदा रहमान का लूँगा। मुझे उनकी एक्टिंग हमेशा हमेशा बहुत अच्छी लगी, चाहे वो गुरुदत्त की पिक्चरों में, खास प्यासा में। आज सजन है अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए, आज सजन में अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसमें तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे हीरोइन के रोल में वो थोड़ा सा भावुकता और इमोशन अच्छा लगता था, और इसीलिए वाहिदा जी का अभिनय मुझे बहुत जचता था। और साथ साथ उस समय के जो हीरोइंस थे, जो एंटरटेनर खासकर, उसमें आपके आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, शर्मिला टैगोर में मैं समझता हूँ एक खूबी और थी, उसके साथ साथ इमोशन भी, वो बहुत अच्छे इमोशनल रोल्स भी बहुत अच्छा करती थी, अमर प्रेम जैसे पिक्चर। कलकत्ते में जहाँ आपका बचपन गुजरा,
वो एक बंगला भाषी इलाका है। फिल्में ज़्यादातर, अगर आप हिंदुस्तानी फिल्मों की बातें करें तो वो हिंदुस्तानी ज़बान में बनती हैं, जिसमें हिंदी उर्दू अल्फाज का डोमिनेशन रहता है। तो एक बंगाली संस्कृति में पले बड़े आदमी के लिए इस तरह की मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा के साथ रिलेट कर पाना कैसे, उसका क्या अनुभव होता होगा? देखिए, इस पर मैंने कहा बहुत सोचा है बाद में। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक थोड़ा एक बगावत का मूड बन गया स्कूल के ज़माने में। उस समय परिवर्तन का भी ज़माना था, मार्क्सिज्म का उदय हो रहा था, कम्युनिस्ट पार्टियों का उभरना शुरू हुआ, नक्सलवाद का चलन शुरू हुआ 69 के बाद। और उस समय जो बंगला कल्चर था, जैसे रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ की कहानियाँ, उस पर आधारित पिक्चरें, और सत्यजीत रे की फिल्म, मृणाल सेन की फिल्में, मुझे लगता था ये इसको लेके तो लोग बहुत वो करते हैं, और अखबार में लिखा जाता है, लोग क्रिटिक्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन जो पिक्चर देखे वाकई मज़ा आता है वो है हिंदी फिल्में। और एक बात मैं कहना चाहूँगा इसमें, मनमोहन देसाई जी ने कभी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक माइंडलेस, उन्होंने बगैर दिमाग लगाए पिक्चर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है कि यू नीड अ वेरी इंटेलिजेंट माइंड टू मेक अ माइंडलेस पिक्चर। मैं तो इस बात के बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। तो उस समय एक कल्चर था बंगाल में कि बंगाली संस्कृति को ही आप बेस्ट मान लीजिए और बाकी जो है उसको दूर रखिए, कि ये तो अच्छे लोगों के लिए नहीं है। हिंदी पिक्चरों को एक नीची नज़र से देखी जाती थी उसमें। तो उसमें शायद एक बगावत की जो भावना थी, इसके चलते मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो हिंदी पिक्चरें देखते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मैं तो यही देखूंगा। ऐसा नहीं है कि बंगला पिक्चर नहीं देखता था, सत्यजीत राय की हर एक पिक्चर देखी मैंने, लेकिन वो कुछ आपको थॉट प्रोवोकिंग, कुछ सोचने के लिए वो मजबूर करता था। हिंदी फिल्में एस्केपिस्ट थी, 3 घंटे गए, आपने मज़ा लिया, बाहर आए भूल गए, तो वो मुझे अच्छा लगा। अगर उसी दौर की बात करें जब आपने फिल्मों पर सोचना और लिखना और उसे रेशनली देखना शुरू किया, वो तो बाद में हुआ, लेकिन जब तक ये जादू आपके सिर पर रहा, कौन सी ऐसी चीज़ ख़ास तौर पर है जो इस जादू से आपको निकलने नहीं देती थी? देखिए, ये बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं इस पर कि हाँ, बस पिक्चर आ रही है, पिक्चर देखना है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। किसी वजह से फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं हुआ तो फर्स्ट डे सेकंड शो। ये एक उस समय के आपके स्टूडेंट कल्चर में या जो यंग लोग थे उन सब में था, जो पिक्चर के वाकई के फैंस होते थे। और इसमें मैं कोई या मैं और मेरे दोस्त हम कोई इसमें भेदभाव नहीं करते थे। कोई भी पिक्चर हो, किसी की भी हो, कोई भी हीरो, कोई हीरोइन, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय एक्चुअली हफ्ते में एक ही पिक्चर रिलीज होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दो, तो पिक्चरें देखनी बस, मज़ा आता था, अच्छा लगता था। और कई बार अगर पिक्चर अच्छी लगी, 2 बार 3 बार 4 बार हम देखते थे। और तब वो यार्डस्टिक क्या होती होगी कि जब आप कहते होंगे कि यार पैसा वसूल हो गया? पैसा वसूल हो गया, देखिए हाँ, उसमें कहानी में कुछ अलग अलग से कहानी हटके कुछ कहानी हो, अच्छी एक्टिंग हो, गाने अच्छे हों, तो अगर गाने अच्छे हों तो गानों को पिक्चराइजेशन देखने के लिए हम 2 बार 3 बार चले जाते थे। तो ये सारा आकर्षण था, मैं समझता हूँ कि इसीलिए जैसे कुछ पिक्चर जैसे शोले, मैंने उसी समय पहले ही 3 महीने में मैंने 7 बार शोले देखी। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए, खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों,
स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम यादों के साए में। आज हमारे साथ हैं मशहूर पत्रकार और सांसद चंदन मित्रा। चंदन जी, बताइए कि फिल्मी गानों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बिना फिल्मी गानों के फिल्मों की कल्पना करना मुश्किल है, आपको भी ऐसा ही लगता है? आम तौर पर देखिए, पिक्चरें आज भी अगर गाने अच्छे नहीं हों तो मैं समझता हूँ चलना मुश्किल है। कभी 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 पिक्चर में गाने तो बहुत अच्छी होती है या बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं लेकिन पिक्चर नहीं चलती, ये हो सकता है। लेकिन बगैर अच्छे गानों के पिक्चरें हिट आज भी नहीं होती। एक आध गाने ऐसे भी डलते थे पहले जिसको कहते थे बाथरूम सॉन्ग, कि उस समय दर्शक उठ के वो शौचालय चला जाता था, तो ऐसे एकदम जिसको एक चालू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कि चिल्लड़ गाने जिसको कहते हैं, एकदम चिल्लड़ गाना एक आध तो रहना था कि वो ऑडियंस को बाहर जा रहा था, बाकी गाने अच्छे होने चाहिए। अच्छा, गाने में फिर उसका संगीत ज़्यादा आपके लिए महत्व रखता है या उसमें जो बोल हैं वो? क्योंकि अब जाकर इधर के गानों में आपको करीब करीब सुनाई नहीं देता है कि क्या गाया जा रहा है, ज़्यादातर म्यूज़िक सुनाई देता है। लेकिन जिस दौर में आप फिल्में देख रहे थे और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर गानों में जितना इम्पोर्टेंस लिरिक्स का है उतना ही इम्पोर्टेंट उसमें म्यूज़िक भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय के गानों में बोलों का बहुत ही महत्व था, लेकिन उससे पहले के दौर में जो 50s में खासकर जब आपके सबसे बेहतर शायर हिंदुस्तान के वो पिक्चरों के लिए गाना लिखते थे या उनके कविताओं को गाने में तब्दील की जाती थी, जैसे कैफी आजमी साहब, साहिल लुधियानवी, ये शैलेंद्र जी, हसरत जयपुरी, कभी कभी आनंद बख्शी साहब बहुत अच्छा लिखते थे, और जावेद साहब मैं समझता हूँ आज के ज़माने के सॉन्ग राइटर्स में सबसे उम्दा है। लेकिन बाकी लोग तो कोई टेक्नो भंगड़ा में किसी तरह शब्द जोड़ने के लिए वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो उसका वो कोई माने नहीं रखता। जो आपने कहा कि एक बंगाल में और एक बंगाली हूँ, हिंदी कभी सीखी नहीं मैंने, जो हिंदी मैं आज इतने कॉन्फिडेंटली आपके साथ बोल रहा हूँ ये हिंदी फिल्मों की देन है। इसकी वजह से मैं आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि औपचारिक रूप से हमारे स्कूल में हिंदी पढ़ाए नहीं जाती। तो इसमें मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ये जो हम कहते हैं पिक्चरों का एक रोल रहा देश को जोड़ने में, इसमें मैं समझता हूँ गानों का, उसके बोलों का भी बहुत बड़ा रोल। तो कोई एक गाना अगर आपको या कुछ गाने अगर आप बताना चाहें हमारे लिए तो? साहिर साहब मेरे सबसे फेवरेट शायर रहे हैं, प्यासा के गाने खासकर, जिसमें ये कूचे नीलाम घर दिलकशी के, लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, और जो ओरिजिनल है उसमें है सना खवाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, आप समझेंगे, आज हम बात करेंगे लोग समझ नहीं पाएंगे उसको, बाद में साहिर साहब ने उसको डाइल्यूट करके ये लिख दिया कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये पूछे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवा जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है ऐसे ऐसे बोल जो समाज में जो कमियां थी, जो खराबी थी उसको उजागर करके सोचने पर मजबूर करते, उसमें पिक्चराइजेशन कैसा भी हुआ हो ये गाने आपके मन में बैठ जाते हैं। रोमांटिक गानों में फिर साहिर साहब, चलो एक बार फिर से अपने अजनबी बन जाए हम दोनों, ऐसे ऐसे गाने होते थे, शैलेंद्र इतने सुंदर सरल तरीके से तीसरी कसम के गाने लिखे हुए हैं। जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भर माए, ना संदेश न कोई खबरिया, रुत जाए डूब गए हम भी
प्यार में डूब गए हम बीच भंवर में करके सोलह पार सजनवा बैरी हो गए हमार। अनगिनत गाने हैं, क्या क्या गिनवाऊं लेकिन एक बात कम से कम 100 गाने ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल मेरे कंठस्थ हैं जी। एक बात ये कही जाती है फिल्मी गानों के बारे में कि वो हमारी आधुनिक जिंदगी का लोक संगीत है, मॉडर्न लाइफ का वो एक फोक म्यूजिक है। फिल्मी गाने सरल तरीके से लोगों को कुछ बताने समझाने उनके जज्बात को सामने लाने का और लोगों की भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका है। जो लोग शायद कविता की किताब या शेर व शायरी किताब नहीं खरीदेंगे, उतना समय नहीं है या उतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो फिल्मी गानों के ज़रिए से चाहे वो देशभक्ति की बात हो, चाहे वो रोमांस, हार्ट ब्रेक, दिल टूट जाना और गम में खुशी में हर समय के लिए गाना है। एक गाना का मैं मिसाल देता हूँ, कांटों से खींच के ये आँचल तोड़ के बंधन बांधी पायल, ये गाइड के का गाना वहीदा जी पर फिल्माया गया और उस समय के लिए बहुत बोल्ड पिक्चर थी गाइड, कि वहाँ से एक शादीशुदा औरत वो अपने पति को छोड़ के एक गाइड के साथ आके उसके साथ रहने लगती हैं और जिस दिन ये उनको ये लिबरेशन हो जाता है, जैसे मुक्ति मिल जाती है, तो ये कांटों से खींच के आंचल तोड़ के बंधन बांधी पायल आज फिर जीने की तमन्ना है। कितनी हजारों लड़कियों को इसने शायद प्रेरित किया होगा कुछ करने कि जहाँ कोई रास्ता बंद हो गया है और आगे कुछ संभावना नहीं है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, यही भावना को एक पुरुष की दृष्टि से और ये कांटों से खींच के आंचल एक औरत की दृष्टि से मैं समझता हूँ। ये तो इसीलिए आप जो कह रहे थे ना ये हमारे लोक संगीत है, मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा है, हमारे जज्बातों का एक प्रकटीकरण है। कभी आपको खुद ये दिल किया जैसे कि कुछ ख़ास तरह के कपड़े चल जाते हैं फैशन में, हीरो हीरोइन उन्हें चरण मिला देते हैं तो लोग पहनने लग जाते हैं, हेयर स्टाइल वैसी बना लेते हैं, कभी आपका भी दिल हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर हीरो की तरह दिखा जाए? हाँ, थोड़ा बहुत उस बचपन में राजेश खन्ना का ज़माने, क्योंकि मेरी शक्ल भी कुछ हद तक हाई चीक बोन्स की वजह से कुछ राजेश खन्ना टाइप का, मेरे बाकी क्लास के दोस्त ये कहते रहते थे, तो उससे थोड़ा मुझे मेरा ईगो बूस्ट हो गया और मैंने उस स्टाइल थोड़ी सी अपनाने की कोशिश की, थोड़ा गर्दन झुका के और बाल ऐसे पीछे खींच के, 70s का स्टाइल था वो, शायद एक ही बार, हालांकि राजेश खन्ना मेरे सबसे बड़े हीरो नहीं थे। और कपड़ा देखिए, आजकल तो करण जौहर वो सब कुर्ता वगैरह अपने पिक्चरों में दिखा रहे हैं जो मैं पहले से पहनता हूँ। अच्छा, मेरे जो डिज़ाइनर कुर्ते हैं वो मैं कलकत्ता से खास मंगवाता हूँ और ये करण जौहर के पिक्चरें आने से पहले से ही मैं उस टाइप के कुर्ते पहन रहा हूँ। एक बार मैंने एक कपड़ा सिलवाया था, वो भी राजेश खन्ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे जीवन साथी पिक्चर आई थी, उसमें एक वेस्ट कोट उन्होंने पहना था, तो जाके मैंने अपने टेलर को, मेरे पिताजी के टेलर थे, उनको बड़ा समझाया मैंने, मैंने कहा ये ऐसा ऐसा पिन स्ट्राइप है और ये डिज़ाइन है, और मैंने कहा कि भैया आप जरा जाके ये पिक्चर देख लो, हाँ ये पिक्चर देख लो और इस सीन में
ओ मेरे दिल के चैन, वो गाना पिक्चराइज होते समय वो वेस्ट कोट वो पहने हुए थे। मैंने कहा यह मेरे कि वो करो, ये कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लेना इसका, लेकिन ये पिक्चर देखो और हूबहू वो ही चाहिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। और उसने बना के दिया, वैसे ही बनाया, वैसे ही। और फिर आपने उसे खूब पहना, वो बहुत खूब पहना। अब तो उस समय क्या, मैं मेरे जीवन साथी सन 72 पिक्चर है, तो इस शायद उसी साल उसने बना के दे दिया और 20 साल तक मैं पहनता रहा। उसके बाद बने और वो फिट नहीं हुआ, जब उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन उसको अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, ऐसे न आए बरा कीजिए। आखिर में आपसे ये पूछेंगे चंदन जी के, फिल्में आपकी ज़िंदगी में ना होती तो क्या कमी होती? ज़िंदगी अधूरी होती, वाकई में कह रहा हूँ। और कुछ जो भी मिला है भगवान के दया से, मुझे बहुत मिला है, मुझे कोई गिला नहीं है ज़िंदगी पर। लेकिन फिल्में नहीं होती तो मैं समझता मैं एक अधूरा इंसान रहता। और मैं, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा सोचने का तरीका सब शायद अलग होता। बहुत एहसान है मेरे ऊपर फिल्मों का।